जब हम एजुकेशनल सिस्टम की बात करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन किसी भी मुल्क में जब प्लान होती है तो वो अपने गोल सेट करती है। प्राइमरी एजुकेशन का क्या गोल होगा, सेकेंडरी एजुकेशन का क्या गोल होगा, हायर सेकेंडरी का क्या होगा और फिर यूनिवर्सिटीज़ का क्या गोल होगा। पाकिस्तान में जब, क्योंकि मैं पॉलिसी स्टडीज़ पढ़ती पढ़ाती हूँ, तो हम हमेशा क्रिटिक ये करते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन बिल्कुल आइसोलेशन में प्लान होती रही है, एज इफ़ इसका बाकी सेक्टर्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हम एजुकेशन के जब बड़े गोल्स भी पढ़ते थे ना, जब हम पॉलिसी में सबसे इनको अच्छा शहरी बनाना है, अच्छा मुसलमान बनाना है और इस तरह के करेक्टर बिल्डिंग के गोल्स बस लिखे हुए, कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि इसको अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और ग्लोबल मार्केट के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स बनाना है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, हमारी किसी पॉलिसी में भी नहीं है, हमारे प्लान्स में भी नहीं है। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट की एक अलहदा सेक्टर बना दिया, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अलहदा सेक्टर बना दिया, इंडस्ट्री का अलहदा बना दिया और एजुकेशन कहीं आइसोलेशन में पड़ा हुआ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह कि अगर एक बच्चा 10 से 12 साल आपकी स्कूलिंग में गुजारता है तो आपने तय ये करना था कि ये 12 साल गुजार के निकलेगा तो कम से कम 16 से 17 साल का बच्चा होगा, विच इज़ अ लीगल एज टू बिगिन वर्क। तो आपने उसको वहाँ पर ना कोई स्किल सेट दिया, ना आपने उसका माइंडसेट चेंज किया कि नाउ यू बिगिन टू डू समथिंग। आपने उसको सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज दिया और जिसको आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी कह रहे हैं वो भी आपने उसको याद करा दिया। लैब वर्क भी जो है ना, वो भी बच्चा ज़ुबानी याद करता है एक एक स्टेप। इसका मतलब है कि आपने एजुकेशन के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसा कोई इनपुट नहीं दिया। और अभी भी जो नई पॉलिसी भी आई, जो नया करिकुलम भी बन रहा है, उस पर मेरे जैसे कुछ चंद और लोग कर रहे हैं काम के, जैसे ही बच्चा सेकेंडरी स्कूल में जाए तो आप उसको स्किल सेट ऑफर करना शुरू करें, आप उसको सिर्फ बुकिश नॉलेज ना दें। ये तो स्कूल्स हो गए। फिर हमने जब यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्लान की तो वो पूरी थ्योरी बेस्ड है, उसमें हम थ्योरीज पढ़ा 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 के बच्चे को, और वो भी पढ़ा के रहे हैं, याद करवा रहे हैं। अब जब इन सारे सालों से निकल के वहाँ 12 साल कंप्लीट होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में 16 साल कंप्लीट हो जाते हैं, जब बच्चा बाहर आता है तो उसके पास नॉलेज सेट है बहुत सारा, क्योंकि हमने उसको बहुत सारी किताबें पढ़ा दी हैं, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ा दी हैं। हमने उसको कहीं ये नहीं बताया कि इस नॉलेज को जाके इम्प्लीमेंट कहाँ करना है। अब वो जॉब सीकर बनता है यूनिवर्सिटी से निकलते ही और देखता है कि अच्छा मेरे नॉलेज की जॉब कहाँ है। स्किल्स तो उसको नहीं पता, स्किल्स उसको अंदाज़ा भी नहीं है कि कौन सी होनी है। जिस दिन वो जाके किसी जॉब में बैठता है ना, फिर हम उसकी स्किल सेट की ट्रेनिंग शुरू करते हैं, फिर हम उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट शुरू करते हैं, फिर हम उसको बताते हैं कि अच्छा ये इक्विपमेंट इस्तेमाल कैसे करना है और ये कहाँ इस्तेमाल करना है और कब नहीं करना। तो ये सारी ट्रेनिंग कहीं एजुकेशन का हिस्सा नहीं है। अब मेरी इन दोनों बातों में कहीं पे भी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत पेश नहीं आई। मोटिवेशनल स्पीकर भी स्किल सेट नहीं दे रहा, प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन सिस्टम ने भी नहीं दिया। और जो मोटिवेशनल स्पीकर मैं मार्केट में देख रही हूँ वो खड़े होकर फलसफा बिगाड़ रहा है, वो भी उसको कोई स्किल सेट नहीं दे रहा। जिसको हम मेंटोरिंग या लाइफ कोचिंग कहते हैं ना, वो ये होती है कि अगर एक बच्चे ने नॉलेज ले लिया है काफ़ी सारा, उसको प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं पता, तो मेंटोरिंग ये होती है कि वो एक ऑलरेडी मैच्योर बंदे के साथ अटैच हो जाता है और इसको हम अप्रेंटिसशिप मॉडल कहते हैं। वो उसके साथ लग के करना सीख लेता है, जैसे इंटर्नशिप है, राइट? जैसे लॉयर्स की इंटर्नशिप है, डॉक्टर्स की इंटर्नशिप है, टीचिंग में इंटर्नशिप है। तो ये मेंटोरिंग मॉडल है कि ठीक है, एक सीनियर बंदा जो ऑलरेडी इस काम को जानता है, आप नया नॉलेज लेके आएंगे, आप उसके साथ अटैच हो जाएंगे और आप करना सीख जाएंगे। दैट्स अ रीजनेबल मॉडल, बात समझ में आती है। लाइफ कोचिंग ये है कि वो काम जो किसी ने अकेले करना है, किसी इदारे के साथ नहीं करना, उसने खुद से करना है, तो वो 1-to-1 कोचिंग है। मैंने अकेले खुद इंडिपेंडेंटली कोई काम शुरू करना है, कोई स्टार्टअप शुरू करना है, कुछ करना है, तो मुझे कोई एक ऐसा शख्स मिल जाए जो गुरु हो, जो लाइफ कोच हो, ठीक है, और वो मुझे समझा दे कि यार इसमें ये नुकसान होते हैं, ये फ़ायदे होते हैं, इनसे बचना, इस तरह कर लेना, दैट्स लाइफ कोचिंग। ये दोनों ज़रूरतें तो मुझे नज़र आती हैं। मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत मुझे यहाँ भी नज़र नहीं आती। मुझे ये लगता है ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स वाला काम है ना, ये मोस्टली फैमिलीज़ में बड़े कर दिया करते थे। जब तक हमारे यहाँ एक टेबल टॉक का कल्चर था ना, जिस तरह हमारे घराने में आदत थी कि लंच बेशक अलहदा अलहदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, डिनर इकट्ठे होना है, वो इसलिए इकट्ठे होना है कि बड़ों ने बैठना है, हमारी दिन की रुदाद सुननी है, और वो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर थे।
उनके दो जुमले हमारे लिए काफ़ी थे कि अच्छा बेटा घबराना नहीं है, इसमें इसमें से निकल जाता होता है इंसान, इसका ये भी तरीका है, इसका ये भी तरीका है, तुम निकल जाओगे। वो मोटिवेशनल स्पीकर की स्पेस बन गई, क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन है ना जनरेशन्स की, वो बहुत गैप में आ गई है। वहाँ मुझे नज़र आती है एजुकेशन और प्रैक्टिकल फील्ड के दरमियान अगर कोई चाहिए तो वो मेंटोर्स चाहिए, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं चाहिए।